अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्यामीन फ्रॉम फ्रंटियर इंटरप्राइजेस। आज हम आपके लेके आए हैं जी रयोबी के ब्रांड न्यू बेल्ट सैंडल्स। ये मेरे पास आए हैं, तकरीबन 3 पीसेस खाली आए हैं, ब्रांड न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू से बेल्ट सैंडल्स हैं। बहुत ही वेल नोन जापानीज ब्रांड है और स्पेशली बात ये मेड इन जापान वाले मॉडल आए हैं। अच्छा, इसके पीछे आप स्विच देख सकते हैं 220 बट जापानीज स्विच लगा हुआ है इसके साथ, फ्लेक्सिबल वायर है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। वैसे तो रयोबी का सबको पता है इस ब्रांड का, कोई ऐसा छुपा हुआ ब्रांड नहीं है, ना छोटा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है रयोबी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताता चलता हूँ। अब हम इसकी ये साइड घुमाते हैं, इधर आपको मैं इसका स्टिकर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं रयोबी BE424 इसका मॉडल है, 220 वोल्ट और 1010 इसके वॉटेज हैं, 50-60 दोनों हर्ट्ज हैं इसके अंदर, और एडजस्टेबल RPM है इसके 230-350 RPM पर मिनट इसके RPM हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं, हाँ, इसका साइज़ जो है 100x610 mm है, बेल्ट साइज़ है इसका, ये 4 इंच चौड़ाई है इसकी और 610 mm इसकी लंबाई है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें इस कोने पे, ये मेड इन जापान मॉडल है इसका, ओरिजिनल जापानीज। बिल्ड क्वालिटी की रयोबी की अगर बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की बिल्ड क्वालिटी है इसकी, और मैंने इसलिए क्या ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है रयोबी के बारे में, क्योंकि वेल नोन ब्रांड है। और इसकी अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी और चीज़ें। मेरे पास जो पीसेज आए हैं ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बॉक्स ब्राउन थे इसके साथ, मैंने उतार दिया अभी तक, इसके ये प्लास्टिक शीट्स भी नहीं उतरी है। अंदर आप अगर इसके देखें, ये इसकी नीचे वाली प्लेट लगी होती है मेटल की, उसके नीचे आप यहाँ पे फॉर्म लगा होता है, यहाँ पे इसकी बेल्ट चलती है, बेल्ट की एडजस्टमेंट आपके पास होती है, वो होती है इस साइड पे। बेल्ट आपने जब चढ़ानी है, ये आपने ऊपर यहाँ से खींचना है इसको, इसको पुल करके आप बेल्ट चढ़ा के दोबारा टाइट कर लेते हैं, क्योंकि जब आप ये पुल करते हैं तो आपका फ्रंट व्हील जो है ये एडजस्ट होता है, ये देखें। उसके बाद इसकी लेफ्ट राइट वाली जो बेल्ट की एडजस्टमेंट, ताकि बेल्ट बाहर ना आए या अंदर ना हो, वो ये एडजस्टमेंट होती है, आपके पास एडजस्टमेंट इसमें अवेलेबल है। इस साइड पे इसका लगता है डस्ट कलेक्टर, लगता है डस्ट कलेक्टर साथ नहीं आया है। इसके ये स्विच है विद लॉक है, ये आप कंटिन्यूस चलाने के लिए लॉक लगा सकते हैं। ये मेरे पास थोड़े से पीसीज आए हैं, कुछ खास ज़्यादा नहीं है पीसीज, 3 पीसीज सिर्फ अवेलेबल है हमारे पास इस टाइम, और बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज के अंदर। बेशक के अभी सामान काफ़ी महंगा हो चुका है, पहले वाली प्राइसेस से तकरीबन डबल हो चुकी हुई है प्राइसेस चीज़ों की, बट ये अवेलेबल है, जिस किसी को भी चाहिए हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं आप। और ये थी जी इसकी वीडियो, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आगे फर्दर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।